तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 देखा था एनसीईआरटी का, क्लास 10। अब हम लोग आज एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं। उससे पहले एक थ्योरम है, कहीं कहीं ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, कहीं कहीं थ्योरम के फॉर्म में आता है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी देखेंगे। क्लास 9th में ऑलरेडी आप देख चुके हो, आप जान चुके हो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज भी आप क्लास 9th में जान चुके हो। वहां पे आपको सब कुछ बताया गया था कि रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल कैसे होते हैं, इरेशनल का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे होता है, बट वहां प्रूफ नहीं बताया गया था। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी क्लास 9th में नहीं था, तो आपको 10th क्लास में प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी पढ़ाना है हमको। यहाँ पे बस एक टॉपिक हम इंट्रोड्यूस कर देना चाहते हैं। जैसे आप पढ़े हो कि ऑल द फ्रैक्शंस आर रेशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स मे बी और मे नॉट बी इरेशनल। मतलब दो इरेशनल का प्रोडक्ट जो होगा वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, बट दो रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल ही होगा। यहाँ पे एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, को प्राइम नंबर्स। दोज नंबर्स विच हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल 4 and 7, 4 और 7 में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ वन है। 25 and 12, इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर क्या है, वन है, वन के अलावा कुछ भी नहीं है कॉमन फैक्टर। तो ये नंबर्स का जो पेयर है वो क्या कहलाएगा, को प्राइम। इन दोनों को हम को प्राइम कहेंगे। तो को प्राइम का यूज यहां आने वाला, इसलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई ये देखते हैं, फर्स्ट हमारा थियरम है इस चैप्टर से पहले, इस एक्सरसाइज से पहले का थियरम है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो हम थियरम करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपको खुद करना होगा, सेम ऐसा ही होगा, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, और आपका क्वेश्चन होगा प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। तो हम थियरम करा देते हैं, आप उसी पिक के बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर वन कर लेंगे। आइए देखते हैं इरेशनलिटी प्रूव कैसे किया जाता है। ये प्रॉपर्टी में हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल, या स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम्स इज ऑलवेज इरेशनल, लेकिन प्रूफ नहीं देखा था, तो प्रूफ देखेंगे। लेट इफ पॉसिबल रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इज रेशनल, हम इसको कंट्रेरी मेथड से प्रूफ करने जा रहे हैं। कंट्रेरी मेथड से मीन्स कंट्राडिक्शन करेंगे हम, जो प्रूव करना है उसके अपोजिट हम सपोज करेंगे। तो हमने क्या सपोज किया, लेट रूट टू इज रेशनल, हमको इरेशनल प्रूव करना है, हमने सपोज किया इट इज रेशनल, एंड इट इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए अपान बी। अगर ये रेशनल है तो ए अपान बी के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ए अपान बी है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर बी जीरो होगा तो फिर ये डिफाइंड नहीं होगा। नाउ रूट टू अगर रेशनल है तो रूट टू को ए अपान बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट टू कैन बी रिटन एज ए अपान बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन अगर रूट टू इक्वल टू ए अपान बी है तो अगर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो टू इक्वल टू क्या मिलेगा, ए अपान ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये मिलेगा ना। अब अगर इसको ट्रांसपोज करते हैं इधर तो 2b² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2 into b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, यही ना मतलब हुआ इसका, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और हमने एक थ्योरम पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के डायरेक्ट कंसीक्वेंस पे, इफ ए पी बी ए प्राइम एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करता है, तो टू अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू ए को भी डिवाइड करेगा, टू डिवाइड्स ए, दैट इज टू इज अ फैक्टर ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 2 अगर फैक्टर है a का तो हम लिख सकते हैं a को 2 into m के फॉर्म में, 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तब इक्वेशन 1 से ये देखिए, ये इक्वेशन 1 हम सपोज कर लेते हैं इसको इक्वेशन 1, देन फ्रॉम 1 अगर यहां पे हम a की वैल्यू रखेंगे 2m तो क्या मिलेगा हमको, 2b² इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर, 2b² इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2b² इज इक्वल टू 4m² यही मिल रहा है।
देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 2m, यही मिलेगा ना 2m। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एंड दिस इंप्लाइज 2 आल्सो डिवाइड्स बी, थ्योरम जो हमने पढ़ा था उसका यूज कर रहे हैं यहां पे। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स बी, दैट मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी, 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी। इससे पहले हमने क्या यहां प्रूव किया था, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, 2 ए का भी फैक्टर है, 2 बी का भी फैक्टर है, जबकि हमने क्या सपोज किया था, ए एंड बी आर को प्राइम्स, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है 1 के अलावा, बट यहां पे हमको मिल क्या रहा है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, 2 इज अ कॉमन फैक्टर फैक्टर ऑफ ए एंड बी, That means, जो हमने सपोज किया था उसका उससे कुछ उल्टा मिल रहा है हमको, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सपोजिशन रॉन्ग था। तो अब हम लिख सकते हैं, hence our supposition is wrong and given is right, our supposition is wrong, is wrong and root 2 is irrational, hence proved, proved। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कोई भी इरेशनलिटी। तो इस तरह से हमने बताया कि आप कोई भी इरेशनलिटी प्रूव कर सकते हो। हमने क्या प्रूव कर लिया, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ, तो ए और बी दोनों का फैक्टर हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां एक कंट्राडिक्शन है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयर इज अ कंट्राडिक्शन, देयर इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या है, जो हमने सपोज किया है उससे और इस फैक्ट में जो हम प्रूव करके ला रहे हैं इसमें एक कंट्राडिक्शन हो रहा है। हमने सपोज किया है कि ए एंड बी आर को प्राइम्स, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट हमको मिल क्या रहा है, इट हैज ए कॉमन फैक्टर 2, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का।